आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसा ज़बरदस्त नाश्ता जो हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और बनाने में भी आसान है। जय सतगुरु दोस्तों, मैं सोनाली स्वाद व्यंजन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए दोस्तों, आज की रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक बर्तन लिया है, बर्तन में 3 कप राइस डाल लेंगे। अब हम इसमें 1/2 कप उड़द दाल डाल लेंगे, 1/4 तूर दाल, 1 टेबलस्पून मेथी के दाने। अब हम इसे 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। अभी मैंने इसे वॉश कर लिया है, पानी डाल के 5 से 6 घंटे इसे भिगोने रख देंगे। भीग चुका है, हम इसमें से पानी निकाल के इसे ग्राइंड कर लेंगे। इसका हम स्मूथली बैटर बना लेंगे। हमें इसी तरह से ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए, इसे स्मूथ बैटर होना चाहिए। हम बाकी का भी इसी तरह से स्मूथ बैटर बना लेंगे। अब हमारा बैटर रेडी हो चुका है, इसे ढक के 6 से 7 घंटे रेस्ट को रखेंगे। अभी हमारे बैटर को रखे हुए 6 से 7 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसे हिला लेंगे। अब हमने हिला लिया है, अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। मैंने यहाँ पे 5 से 6 हरी मिर्ची कट कर ली है, गाजर का 1/2 कप, जीरा 1 टेबलस्पून, थोड़ा सा कटा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून चीनी, 2 मीडियम साइज कटे हुए प्याज। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह से अब मिक्स हो चुका है। अब हम अप्पे बना लेंगे। मैंने 2 टेबलस्पून घी लिया है और 2 टेबलस्पून ऑयल मिक्स कर रही हूँ। दोनों मिक्स करके हम अप्पे में यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ घी और तेल मिक्स किया हुआ थोड़ा थोड़ा सा इसमें डाल लेंगे। इससे टेस्ट अच्छी आती है। हमने जब आटे में चीनी डाल लिया था हमारे बैटर में, वो चीनी डालने से कलर फ्लेवर अच्छी आती है। अब हम अप्पे डाल लेंगे। अब हम इनको पलटा लेंगे। हमें दोनों तरफ से सेक लेना है। अब हमने पलटा लिया है। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन और हमारे रेसिपी को लाइक कमेंट शेयर करना न भूले। पे रेडी हो चुके हैं, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक देखते रहिए स्वाद व्यंजनम।